दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें लाइब्रेरियन, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसर के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं दोस्तों, जिसके फॉर्म को आप 16 जनवरी 2021 के शाम को 6 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके पोस्ट के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं कि इसमें किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट रखी गई हैं और कितनी सैलरी पैकेज इसमें निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, इसमें लाइब्रेरियन के लिए एक पोस्ट आई हुई है जो कि यूआर के कैंडिडेट के लिए रखी गई है। इसमें 10,000 सैलरी पैकेज रखा गया है दोस्तों। एंड इसमें अगली पोस्ट है, इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए, जिसके लिए 7,600 की सैलरी पैकेज रखा गया दोस्तों। इसके लिए भी एक वैकेंसी आई है जो कि यूआर के कैंडिडेट के लिए रखी गई है दोस्तों। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, जिसके लिए 5,400 की सैलरी पैकेज रखा गया है। इसके लिए दो वैकेंसी आई है दोस्तों एंड ये यूआर के कैंडिडेट के लिए रखी गई है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, जिसके लिए 9 वैकेंसीज आई हुई हैं दोस्तों, जिसमें से यूआर के लिए 4 हैं एंड इसमें एसटी के लिए 1 है। ओबीसी के लिए 3 है एंड ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है दोस्तों। इसमें अगली पोस्ट है साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसर के लिए, जिसके लिए 4 वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, जिसमें से यूआर के कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी रखी गई हैं एंड ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी दी गई हैं दोस्तों। इसमें सैलरी पैकेज 54,500 की सैलरी पैकेज रखा गया है एंड इसमें टोटल 17 वैकेंसीज आई हुई हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट की, कि इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, इसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड डॉक्यूमेंट्री विद CGPA इन 6.5 in 10 पॉइंट्स के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों एंड इसमें 56 साल की एज लिमिट निर्धारित की गई है दोस्तों। इसकी अगली वैकेंसी है डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए, जिसके लिए मास्टर डिग्री इन डिसिप्लिन विथ लेटेस्ट 55% मार्क्स इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन दी CGPA एंड UGC के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें 50 साल की एज लिमिट निर्धारित की गई है दोस्तों। इसकी अगली पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, जिसके लिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंट साइंस इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। साथ में दोस्तों, इसमें नेट सेल एंड सेट के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी 35 साल की एज लिमिट निर्धारित की गई है दोस्तों। इसकी अगली पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, जिसके लिए मास्टर डिग्री के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इक्विवेलेंट ग्रेड से CGPA एंड UGC क्वालिफाइड किया हो दोस्तों। इसमें 35 साल की एज लिमिट निर्धारित की गई है। इसमें मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड लॉ फाइनेंस अकाउंट के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसकी अगली पोस्ट है साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसर के लिए, जिसके लिए BE, BTech, MSc के कैंडिडेट एलिजिबल हैं दोस्तों। साथ में MCA के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें 35 साल की एज लिमिट निर्धारित की गई है एंड इसमें 5 साल के लिए रिलैक्सेबल एज भी रखी गई है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें रिलैक्सेबल एज की। तो इसमें OBC के कैंडिडेट के लिए 3 साल की रिलैक्सेबल एज रखी गई है, ST/SC के लिए 5 साल की एंड PWD के कैंडिडेट के लिए 10 साल की रिलैक्सेबल एज यहाँ पे रखी गई है दोस्तों। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितनी ली जा रही है। तो इसमें UR, EWS एंड OBC के कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी एंड ST/SC एंड वुमेंस कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं ली जा रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि आप इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप इसके फॉर्म को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो आपको इस एड्रेस पे इस फॉर्म को कुरियर करना होगा एंड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। आप इसके फॉर्म को 16 जनवरी 2021 तक सबमिट कर सकते हैं एंड इसकी हार्ड कॉपी आप 25 जनवरी 2021 तक प्राप्त कर सकते हैं
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। एंड दोस्तों अगर आप इसके फॉर्म को सबमिट करने के लिए एलिजिबल हों तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर सबमिट कीजिए।